नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय माता दी की हाल चाल है सारिया दा। आपका जम्मू दा व्लॉगर कन्नू आपके लिए आज एक नया व्लॉग लेकर एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों आप लोग मुझे रोज सपोर्ट कर रहे हो एंड यू हैव नोटिस्ड के कल मैं व्लॉग नहीं लेके आया। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आए, एक्चुअली आई एम रियली 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 सॉरी गाइस, क्योंकि मैं ना कल सो गया था। मैं ऑफिस से आई वॉज सो टायर्ड। मैंने रात को 10 बजे उठा। मैं आई वॉज ट्राइंग टू मेक अनदर व्लॉग फॉर यू ऑल बट बहुत ज्यादा लेट हो गया था और सुबह मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो उसकी वजह से मैं व्लॉग लेकर नहीं आया था। लेकिन आई एम रियली सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आई विल कीप अ ट्रैक कि मैं आपके लिए हर रोज एक व्लॉग लेकर आऊं, और सॉरी कल के लिए कि मैं कल आपका व्लॉग नहीं लाया था। तो आज का मंडे मोटिवेशन वाला व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मोटिवेशन तो है ही है, लेकिन एक बहुत प्यारा मैसेज भी है, तो उसको जरूर देखना। पूरी पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना, और यार कमेंट भी जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों की हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक वीडियो को शेयर करना, जब मैं देखता हूँ ना अपने व्हाट्सएप पे इतने ज्यादा स्टेटस डले होते हैं मेरी वीडियो के लिंक्स के, बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। तो ऐसे ही मुझे एनकरेज करते रहो, ऐसे ही मेरा साथ देते रहो। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं भाई। आज के मंडे मोटिवेशन में ना आपके लिए मैं बहुत छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी ये है कि एक बार की बात है, राजा पृथु नाम के एक बहुत अच्छे राजा थे जिनका नाम चक्रवर्ती राजाओं में आता है। एक सुबह वो उठे, घुड़साल की ओर गए, वहां पर एक साधु भिक्षा मांगने आया था। जब उन्होंने राजा से भिक्षा मांगी, जो राजा पृथु थे उनका मूड कुछ ठीक नहीं था और बहुत गुस्से में थे। जब साधु ने भिक्षा मांगी तो उन्होंने आगे पीछे देखा और तबेले में थोड़ी सी घोड़े की लीद पड़ी थी, वो उठाई और साधु के हाथ में दे दी। अब साधु जो भिक्षा मांगने आया था वो आया था खाने की भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन जो राजा ने दिया वो साधु ने ग्रहण किया और अपने साथ ले गया। उसने ना कहा कि ये महाराज आप क्या दे रहे हैं, ना ही पूछा कि आप ये क्यों दे रहे हैं, और साधु चला गया। कुछ समय बीता, राजा एक दिन सुबह शिकार के लिए निकला। जब वो अपने घोड़े पर जंगल की ओर जा रहा था तो उसने एक कुटिया देखी जिसके बाहर लीद का ढेर था। उसने आसपास देखा, ना कोई घोड़ा था, ना कोई और जानवर था, ना ही कोई घुड़साल था, तो वहां रुका, उस कुटिया के अंदर गया। वह उस कुटिया के अंदर गए, वहां एक साधु बैठा था। वहां उन्होंने जाकर उस साधु से एक प्रश्न किया कि महाराज, ना यहाँ कोई घुड़साल है, ना ही आपके पास कोई घोड़ा, तो ये बाहर लीद का ढेर कहां से आया? साधु ने उत्तर दिया कि महाराज, मुझे एक राजा ने ये भिक्षा में दी थी। राजा ने भिक्षा में लीद दी थी। ये शब्द सुनते ही राजा को वो सारा समय याद आ गया, और वो पूरा वृतांत याद आ गया कि जब उसने एक साधु को लीद का टुकड़ा दिया था। वो साधु के आगे झुक गया, उसे प्रणाम किया और उससे माफी मांगी, और उससे कहा कि महाराज, मैंने तो आपको एक छोटा सा टुकड़ा दिया था, अपनी गलती में दिया था। मैं उस समय किसी और वजह से चिड़चिड़ा हो रखा था, और मैंने वो चिड़चिड़ाहट, वो गुस्सा, वो आप पर निकाला, मुझे माफ कीजिएगा महाराज। साधु ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन राजा ने फिर से प्रश्न किया कि महाराज, मैंने तो आपको छोटा सा टुकड़ा दिया था, ये इतना बड़ा ढेर कैसे बन गया? साधु ने दो उत्तर दिए। एक, कि जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, वो कई गुना होकर आप तक वापस पहुंचता है। वो अच्छा हो या बुरा, वो आपका कर्म आप तक कई गुना होकर पहुंचता है। और दूसरा उत्तर दिया कि साधु को दी हुई चीज कभी भी उतनी नहीं रहती, वो बढ़ती जरूर है। और एक समय ऐसा भी आएगा राजन, जब आपको ये सारी लीद का ढेर खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस समय खाने की भिक्षा लेने आया था और आपने मुझे लीद दे दी थी। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने साधु को कहा कि महाराज, मुझे किसी भी तरह से वो रास्ता बताइए जिससे ये ढेर कम हो सके या नष्ट हो सके। तो उन साधु महाराज ने कहा कि आप कोई भी ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपकी लोग निंदा करें। ऐसा निंदनीय होना चाहिए कि जिससे आपको लोग देखते ही, आपको उस कार्य को बताने की जरूरत ना पड़े, आपको लोग देखें और वो आपकी अंदर ही अंदर, मन ही मन निंदा करना शुरू हो जाए। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, मैं कुछ सोचता हूं और मैं कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं। राजा वापस अपने घर चला गया। जब वहां गया तो बहुत ज्यादा सोचा। बहुत ज्यादा सोचने के बाद उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि मुझे मदिरा की बोतल ला कर दो। वो बोतल को लेकर वो जाकर शहर के चौराहे में बैठ गया और वहां जाकर शराब पीना शुरू हो गया। जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता वो राजा को देखता कि क्या निंदनीय कार्य कर रहा है, ये महाराज है, ये चक्रवर्ती सम्राट है, और ये चौराहे पे बैठकर शराब पी रहा है, इससे लोग देखकर क्या सीखेंगे। ये सब निंदा जब उसकी लोग करने लग गए, और ऐसे ही वो हर रोज इसको दोहराता रहा। वो या 3 दिन बीते तो राजा ने कहा कि आज ये कार्य नहीं करता हूं, आज जाकर देखता हूं क्या वो ढेर खत्म हुआ है।
या क्या वो ढेर कम हुआ है। जब वो वहां पहुंचा उसने वहां देखा कि वहां इतना सा टुकड़ा बाकी था। तो राजा ने साधु महाराज को जाकर प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज ये ढेर कम कैसे हुआ, कल तक तो यहाँ इतना बड़ा ढेर था, आज ये खत्म हो गया। तो राजा से साधु ने कहा कि तूने जो कार्य किया उसकी वजह से लोगों ने तेरी निंदा की, जब लोगों ने तेरी निंदा की तो तेरे ये सारे पाप का जो ढेर था उन्होंने अपने आप में बांट लिया। साधु की बात को टोकते हुए राजा ने कहा कि महाराज मैंने इतनी निंदा करवाई अपनी, सारा ढेर तो खत्म हो गया लेकिन ये इतना सा टुकड़ा क्यों रह गया। साधु ने मुस्कुराते हुए राजा को उत्तर दिया कि अपने पाप का, अपने दुष्कर्म का जो फल हमें मिलता है उस फल को हम कोई पुण्य कार्य करके या किसी और तरह के कार्य को करके कम तो कर सकते हैं लेकिन जो हमने कर्म किया होता है उसे नष्ट नहीं कर सकते। तो इतना सा टुकड़ा राजन तुम्हें खाना ही पड़ेगा और ये कर्म तुम्हारा ऐसे ही खत्म होगा। पूरी स्टोरी सोचते हुए आप इतना सा तो सोच रहे होगे ना कि यार राजा और लीद खाएगा, तो लीद से या इस स्टोरी से या ये खाने से या इतना ढेर बनने से इस चीज का अर्थ क्या है। मंडे मोटिवेशन में मैं आपको यही समझाने आया हूं दोस्तों कि अर्थ ये है, हम एक स्टेटस डालते हैं ना जब भी हमें कर्म पे कुछ भी लिखना होता है, या हम लिखते हैं कर्मा इज अ बिच, कर्मा दिस, कर्मा दैट, व्हाटएवर यू डू कर्मा गिव्स इट बैक, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो स्टेटस है, ये सब एक पिक्चर है, ये सब एक कोट्स हो सकते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड अगर आप समझने की कोशिश करें तो कर्मा इज अ स्विच। जैसे एक नॉर्मल स्विच होता है ना दोस्तों, अगर ऊपर की तरफ क्लिक कर दो तो ऑफ हो जाता है, नीचे की तरफ क्लिक करो तो ऑन हो जाती है लाइट, वैसे ही कर्मा भी एक बहुत प्यारा स्विच है, एक तरफ बुरे कर्म एक तरफ अच्छे कर्म, बट वट एवर यू डू इट गिव्स बैक समथिंग। जैसे भी आप करोगे, अगर आप लाइट ऑन करते हो तो रोशनी हो जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है, लाइट ऑफ करोगे तो अंधेरा हो जाएगा ना, वैसे ही है। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म ही आप वापस आएंगे ना, जो आप करोगे वही आप पाओगे ना। लेकिन जो भी है, वट एवर यू डू, वट एवर यू स्टार्ट, दैट स्टार्ट पॉइंट ना, दैट स्टेज देयर। 100 मीटर रेस करते हो आप, स्प्रिंट करते हो, वो स्टार्ट पॉइंट खत्म तो नहीं हो जाता ना जब आप भाग जाते हो आगे। आप रेस जीत गए, आप 100 मीटर स्प्रिंट मार गए लेकिन स्टार्ट पॉइंट खत्म नहीं हुआ, ना ही एंड पॉइंट खत्म हुआ। बीच में आपने कर्म किया, आप जीते या नहीं जीते दैट इज अप टू यू एंड योर कर्मा एंड योर मेहनत, बट जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है ना वो कभी खत्म नहीं होता। जहां से अगर आप बोलो कि यार मैं जम्मू में हूं और मुझे दिल्ली जाना है, तो स्टार्ट पॉइंट इज जम्मू, द रीचिंग पॉइंट इज दिल्ली, जो मैं ड्राइव करके जाऊंगा, फ्लाइट पे जाऊंगा, ट्रेन पे जाऊंगा, वट एवर आई डू, दैट इज माई मेहनत कि मैं कैसे जा रहा हूं, दैट इज माई कर्मा, जो मैं कार्य कर रहा हूं वही मुझे मेरे कर्म का फल देगा। तो कभी भी कुछ भी करो लेकिन कभी भी किसी की निंदा मत करो। अब ये निंदा करने का मैंने क्यों मना किया आप लोगों को, ये जो पूरी स्टोरी है ना, आपने इसका एक पार्ट सुना ना जहां पर राजा को साधु ने बोल दिया कि जा लोगों से अपनी निंदा करवा, तेरे पाप कम हो जाएंगे। क्यों किसी के पाप कम कर रहे हो, अपने भले कर लो। आप किसी का पाप कम करके अपने ऊपर लगा रहे हो, पाप कर्म है। आज की जो जनरेशन है वो नहीं सोचती, वो सोचती है यार आप जैसा करते हो वैसा पाते हो, आप कर्मा 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 करते हो ना, वैसे ही ये थोड़े से माइथोलॉजिकल वर्ड्स हैं। अगर आप समझने की कोशिश करो, वट एवर यू डू यू गेट द सेम। अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे वो प्यार नहीं करेगा, वो थप्पड़ ही मारेगा आगे से। आपको ये चीजें समझनी है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझनी है, आपको खुद को मोटिवेट करना है। नेवर से बैड अबाउट एनीबडी, क्योंकि अगर आप किसी को गाली देते हो आप वापस गाली सुनोगे, कभी नहीं। वी कैन नॉट बेयर के अगर आपको कोई गाली देता है, आपको अंदर से चिढ़ मच जाती है, आप बोलते मैं इसका कत्ल कर दूंगा अभी। तो हाउ कैन वी डू समथिंग कि हाँ यार हम किसी के बारे में कोई बुरे शब्द बोल देते हैं और जब हमारे बारे में कोई बोलता है हम सुन नहीं सकते। अपने आप को अच्छे कर्म करने के लिए मोटिवेट करो, अच्छे कार्य करो जिससे आप एक्सेल कर सको, आपकी फैमिली एक्सेल कर सके, आप एक अच्छी ग्रोथ पा सको, आपका फ्यूचर थोड़ा अच्छा बन सके, आपकी लाइफ अच्छी हो सके। तो ये तो थी आज की वीडियो, लेकिन अगर इतने सारे अच्छे कर्म कर रहे हो तो एक और कर दो, वीडियो को लाइक मार दो, कमेंट कर दो जो पसंद आया, और एक ज्यादा अच्छा कर्म करो, शेयर कर दो वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा बेटे पुण्य करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, मंदिर है टन करो, माथा टेको यार। तो आप लोग हो ना मस्त, हो अच्छे कर्म करो, हम लोगों को सपोर्ट करो, हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये सब तो होगी हमारी मस्ती भरी बातें, लेकिन जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नेवर से कर्मा इज अ बिच, ऑलवेज थिंक दैट कर्मा इज अ स्विच, इट कैन टेक यू टू एनी साइड यू वॉन्ट। आपको डिसाइड करना है आपका कर्मा क्या है। सो अच्छी चीजें डिसाइड करो, अच्छे काम करो,
अपना थॉट अच्छा रखो, अपना मूड अच्छा रखो, अपने दिन अच्छे बिताओ। और अगर आपके आसपास कोई आपको लगता है ना यार इसका मूड सेटल नहीं हो रहा, उसके लिए भी अच्छा करो कुछ, उसका मूड ठीक करो। और ऐसे ही वीडियो देखते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना दोस्तों। आपका ये जम्मू द ब्लॉगर कन्नू हर रोज आपके लिए वीडियो लेकर आता रहेगा। कल मिस हो गया था लेकिन मैं आऊंगा, मैं वापिस आऊंगा, मैं रोज आऊंगा, मैं हर दिन आऊंगा। मुझे पता है मेरे सुर टूट गए हैं, ठीक है, लेकिन आपका जम्मू द ब्लॉगर कन्नू आपके लिए रोज वीडियो लेकर आएगा। आपने मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है, ऐसे ही फॉलो करते रहना है, ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहनी है, और ऐसे ही मुझे इनकरेज करते रहना है ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज वीडियो बनाऊं। यार आप लोग हो तो जम्मू द ब्लॉगर जम्मू द ब्लॉगर है यार, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। कल जल्दी मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।